साथियों, आज भारत में सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ है उसका बड़ा लाभ यूपी को भी मिला है। इस कारण आज यहां समाज सोशली एंड फाइनेंशियली बहुत अधिक इंक्लूसिव हो चुका है, कनेक्टेड हो चुका है। एक मार्केट के रूप में भारत अब सीमलेस हो रहा है, सरकारी प्रक्रियाएं भी सरल हो रही है। मैं अक्सर कहता हूं कि आज भारत आउट ऑफ कंपल्शन नहीं बल्कि आउट ऑफ कन्विक्शन रिफॉर्म करता है। यही कारण है कि भारत 40,000 से अधिक कंप्लायंसेस को खत्म कर चुका है, दर्जनों पुराने कानूनों को खत्म कर चुका है। साथियों, आज भारत सही मायने में स्पीड और स्केल के रास्ते पर चल पड़ा है। एक बहुत बड़े वर्ग की बेसिक जरूरतों को हमने पूरा कर लिया है, इसलिए वो एक लेवल ऊपर की सोचने लगा है, आगे की सोचने लगा है। यही भारत पर भरोसे का सबसे बड़ा कारण है। साथियों, कुछ दिन पहले भारत सरकार का जो बजट आया है उसमें भी आपको यही कमिटमेंट साफ साफ दिखेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च आज सरकार कर रही है और हर वर्ष इसको हम बढ़ा रहे हैं। इसलिए आज आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के नए मौके बन रहे हैं। आज आपके लिए हेल्थ, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के भी अनेक अवसर हैं। ग्रीन ग्रोथ के जिस रास्ते पर भारत चल पड़ा है उसमें तो मैं आपको विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं। इस वर्ष के बजट में 35,000 करोड़ रुपए तो हमने सिर्फ एनर्जी ट्रांजिशन के लिए रखे हैं। ये दिखाता है कि हमारा इरादा क्या है। मिशन ग्रीन हाइड्रोजन हमारे इसी इरादे को बुलंद करता है। इस बजट में इससे जुड़ा पूरा इकोसिस्टम विकसित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक नई सप्लाई और वैल्यू चेन हम विकसित कर रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि नई वैल्यू और सप्लाई चेन विकसित करने के लिए यूपी आज एक नया चैंपियन बनकर उभर रहा है। परंपरा और आधुनिकता से जुड़े उद्योगों का, एमएसएमईस का एक बहुत ही सशक्त नेटवर्क आज उत्तर प्रदेश में वाइब्रेंट है। यहां भदोही के कालीन और बनारसी सिल्क है, भदोही कारपेट क्लस्टर
और वाराणसी सिल्क क्लस्टर भी, और उसकी वजह से यूपी भारत का टेक्सटाइल हब है। आज भारत के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 60% से भी ज्यादा मोबाइल अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। मोबाइल कंपोनेंट की सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भी यूपी में ही होती है। अब देश के दो डिफेंस कॉरिडोर्स में से एक यूपी में बन रहा है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। आज मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स की डिमांड निरंतर बढ़ रही है। भारतीय सेना को भी हम अधिक से अधिक मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम, डिफेंस प्लेटफॉर्म देने के लिए प्रतिबद्ध है, और इस महान काम का नेतृत्व इसी लखनऊ की धरती के हमारे कर्मवीर राजनाथ सिंह जी संभाल रहे हैं। ऐसे समय में जब भारत एक वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री का विकास कर रहा है, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको जरूर लेना चाहिए। साथियों, उत्तर प्रदेश में तो डेयरी, फिशरीज, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अनेक संभावनाएं हैं। फल और सब्जियों को लेकर उत्तर प्रदेश में बहुत डायवर्सिटी है। एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी भी प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी बहुत सीमित है। आपको जानकारी होगी कि फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पीएलआई स्कीम लेकर हम आए हैं। इसका लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। साथियों, आज सरकार का ये प्रयास है कि इनपुट से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट तक एक आधुनिक व्यवस्था किसानों के लिए बने। छोटे इन्वेस्टर्स एग्री इंफ्रा फंड का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार देश भर में एक बहुत बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी विकसित करने के लिए बजट में हमने प्रावधान किया है। ये भी छोटे निवेशकों के लिए बहुत बढ़िया मौका है। साथियों, आज भारत का बहुत अधिक हमारा फोकस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर है। छोटे किसानों को ज्यादा साधन देने और उनकी इनपुट कॉस्ट घटाने पर है। इसलिए नेचुरल फार्मिंग की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां यूपी में गंगा के किनारे दोनों तरफ 5 किलोमीटर क्षेत्र में नेचुरल फार्मिंग शुरू हो गई है। अब इस वर्ष के बजट में हमने किसानों की मदद के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाने की घोषणा की है। ये नेचुरल फार्मिंग को और अधिक प्रोत्साहित करेगा। इसमें भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए इन्वेस्टमेंट की अनेक संभावनाएं हैं। साथियों, भारत में एक और नया अभियान हमारे मिलेट्स को लेकर के शुरू हुआ है। भारत के ये मिलेट्स
आमतौर पर लोगों की भाषा में उसको मोटा अनाज कहते हैं। अब उसकी कई वैरायटीज है, विश्व बाजार में उसकी एक पहचान बने इसके लिए आपने बजट में सुना होगा हमने इस मिलेट्स को, मोटे अनाज को एक नया नाम दिया है, श्री अन्न। ये श्री अन्न जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अधिक है, ये सुपर फूड है। जैसा श्रीफल का माध्यम है, महात्मय है, वैसा ही श्री अन्न का भी महात्मय बनने वाला है। हमारे ये प्रयास है कि भारत का श्री अन्न ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को एड्रेस करे। दुनिया इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में भी मना रही है। इसलिए एक तरफ हम किसानों को श्री अन्न के उत्पादन के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके लिए ग्लोबल मार्केट का भी विस्तार कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े साथी रेडी टू ईट और रेडी टू कुक श्री अन्न के प्रोडक्ट्स में संभावनाएं तलाश सकते हैं और मानव जाति की बड़ी सेवा भी कर सकते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में एक और विषय में बहुत प्रशंसनीय काम हुआ है। ये काम एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, अटल बिहारी वाजपेयी हेल्थ यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ऐसे अनेक संस्थान अलग अलग स्किल्स के लिए युवाओं को तैयार करेंगे। मुझे बताया गया है कि स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत अभी तक यूपी के 16 लाख से अधिक युवाओं को अलग अलग स्किल्स में ट्रेन किया गया है। यूपी सरकार ने पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कोर्सेज भी शुरू किए हैं। और मैं जब अभी आ रहा था तो शिक्षा का जिनकी जिम्मे होती है, हमारी गवर्नर साहिबान चांसलर के रूप में वो काम देखती हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उत्तर प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है कि नेट एक्रेडिटेशन में इस बार उत्तर प्रदेश की 4 यूनिवर्सिटी ने हिंदुस्तान को अपना लोहा मनवा दिया है। मैं शिक्षा जगत से जुड़े लोगों को और चांसलर मैडम को हृदय से अभिनंदन करता हूं। देश के स्टार्टअप रिवॉल्यूशन में भी यूपी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। आने वाले कुछ वर्षों में 100 इंक्यूबेटर्स और 3 स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स को स्थापित करने का लक्ष्य यूपी सरकार ने रखा है। यानी यहां आने वाले इन्वेस्टर्स को टैलेंटेड और स्किल युवाओं का एक बहुत बड़ा पुल भी मिलने जा रहा है। साथियों, एक तरफ डबल इंजन सरकार का इरादा और दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा उत्तर प्रदेश, इससे बेहतर पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। ये जो समय है इसको हमें गंवाना नहीं चाहिए।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।